हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन डिप मेकअप चैलेंज। सबसे पहला बात, जस्ट इग्नोर माय बैकग्राउंड, मैं मम्मी के रूम में शूट कर रही हूँ। सो नॉर्मली मैं अपने रूम में शूट करती हूँ, बट क्योंकि मैं भाई आया हुआ है, स्लीपिंग देयर, सो आई कैन नॉट शाउट एंड शूट देयर। सो जस्ट इग्नोर माई बैकग्राउंड। तो हो सकता है कुछ दिन तक ऐसे ही चले। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली वन डिप मेकअप चैलेंज। और बेसिकली है क्या, अभी तक बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फैला हुआ है, बट इसमें होता क्या है, मैं हर चीज़ का, यानी कि अगर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ तो वन सिर्फ वन पब लूँगी एंड आई शेडो यूज़ करी तो उसमें सिर्फ वन डिप मेकअप वन डिप करूँगी एंड बस दैट्स इट। उससे मुझे मैं दोनों आईज करना है। बेसिकली मेकअप का सबसे अच्छा रूल होता है कि आपको मतलब बिल्डअप करना चाहिए लाइक वन बाई वन। अचानक से आप एक ही बार लगा लोगे तो थोड़ा अजीब सा दिख सकता है, तो आपको बिल्डअप करना चाहिए होता है। सो आई डोंट नो मैं कैसे करने वाली हूँ। सो या लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। सो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय हिटिंग दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दे ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। सो प्लीज़ डू शेयर एंड या सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं सबसे पहले अपने बैंग्स को ठीक करूँगी एंड उसके लिए मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ पहले। तो मैं फाउंडेशन के मूड में हूँ नहीं, तो इसलिए मैं आज बीबी क्रीम ले रही हूँ। तो ये मेरा पॉइंट्स का बीबी क्रीम एंड यू कैन सी मैं जस्ट वन पंप लूँगी इसका। नॉर्मली मैं अपना आईज सबसे पहले करती हूँ, बट क्योंकि फिर मुझे आईज़ के लिए कंसीलर एंड अंडर आईज़ के लिए कंसीलर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले फेस करूँगी एंड देन मैं आईज की तरफ मूव ऑन करूँगी। तो ये मेरा, मैंने अपना स्पंज ले लिया, ये मेरा ब्लू हेवन का मेकअप स्पंज है एंड एक्चुअली मैंने अपना बीबी क्रीम भी इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक पम्प में थोड़ा ज़्यादा आता है एंड बाकी मेरे जितने फाउंडेशन है उसमें उतना अच्छे से आता नहीं, उससे मुझे दो या तीन पम्प का ज़रूरत पड़ता है, बट इसका एक पम्प में मेरा हो जाता है। सबसे पहले मैं इसे अपने पूरे फेस पर स्प्रेड करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कंसीलर पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड जितना हो सके वॉन्ट पे उतना ले लूँगी भाई, ज़्यादा ही आ जाना प्लीज, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कंसीलर बचा है जिसमें वॉन्ट है, तो मुझे अब इससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी, यहाँ पे भी, अंडर आईज पे, जहाँ भी मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ पे लगाऊंगी, बाकी जो भी वॉन्ट पे बचा है मैं अपने आईलेट्स एंड अंडर आईज पे फिल करूँगी। तो इसका हो काम हो चुका है एंड नेक्स्ट अब इसे आते हैं ब्लेंड करने के ऊपर। तो मैं सबसे पहले अपने सेंटर ऑफ द फेस पे ब्लेंड करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं आऊँगी अपने आईलेट्स को ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट कमिंग टू पाउडर, मैं मीनाओं का लूज पाउडर ले रही हूँ एंड देन अपने कवर पे पाउडर लूँगी एंड देन मैं इसमें सिर्फ वन डिप करूँगी एंड जितना हो सकता है पाउडर में पूरा एक्सेस हटा दूँगी। यू कैन सी मैंने जितना स्पंज में आया मैंने बस उतना ही लिया है एंड इससे मुझे सब कुछ सेट करना है। क्योंकि थोड़ा एक्सेस है मैं सबसे पहले अपने फेस पे हल्का हल्का जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ डैप करूँगी एंड मैं उल्टे साइड से अपने पहले अंडर आईज को ब्लेंड करूँगी जो भी क्रीज वगैरह हो गया होगा एंड देन उसमें प्लेस करूँगी। सेम चीज़ दूसरे आईज पे भी
एंड देन उसे ब्लेंड करूँगी पूरे फेस। जो भी मैं स्पंज पे बचा हुआ है उसमें सेट करूँगी। मेरे लिए एक चीज़ बहुत अच्छा है कि मैं ड्राई स्किन की हूँ, तो मुझे फुल फेस को उतना अच्छे से सेट करने का जरूरत नहीं होता। बस मेरे अंडराइज एंड अब आईलिड्स थोड़े ऑयली है, तो इसीलिए एंड मैं अपने आईलिड्स को भी सेट नहीं करती हूँ, तो उसमें मुझे कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली शेडो अप्लाई करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से शेडो स्टिक होते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मैं म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर एंड इन द शेड ब्राउन। तो मैं इसमें अब सिर्फ एक डिप लूँगी, जितना भर सकती हूँ मैं उतना लूँगी। मैं सबसे पहले हल्का सा अप्लाई करूँगी एक साइड पे एंड देन थोड़ा सा दूसरी साइड पे। थोड़ा डार्क हो गया बट क्या। नेक्स्ट लेट्स कम टू आई शेडो। आई शेडो में यूज़ करने वाली मैं मार्स का 27 कलर आई शेडो पैलेट्स हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा पिंकिश काइंड ऑफ वाइब्स में हूँ। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग ब्रश में ये वाला यहाँ पे जो म्यूटेड कलर का पिंक है वो लूँगी। ओके आई हैव टू डिग इट वंस, मैं भूल गई थी। आई विल रियली डिग इन कि भाई एक ही बार में अच्छा खासा पिगमेंट आ जाए। ये मैंने कितना सारा कलर लिया है, थोड़ा सा इधर पेस्ट करूँगी, थोड़ा सा इधर प्लेस करूँगी ताकि दोनों में इक्वल हो एंड मैं क्रीज पे प्लेस करूँ। इसीलिए ट्यूटोरियल पता नहीं ट्यूटोरियल है या नहीं है, आई डोंट नो। मैंने क्रीज से पूरा प्लेस कर लिया है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ पिगमेंट है, या जो भी पिगमेंट है मैं इसे ब्लेंडिंग में यूज़ करूँगी। ओके आई डोंट नो कैमरा पिक कर रहा है नहीं, बट इस आईज में थोड़ा ज़्यादा पिगमेंट है, इस आईज में कम। ऑलरेडी हेटिंग दिस चैट। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट में से सेम ये उसी ब्रश में ये वाला डार्क शेड लूँगी एंड अगेन आई एम गोना रियली डिग इन, मुझे मैक्सिमम पिगमेंट मिल जाए। बहुत जेंटली उठाना है एंड देन मैं इसे थोड़ा सा यहाँ प्लेस करूँगी आउटर कॉर्नर पे एंड थोड़ा सा इस आउटर कॉर्नर पे। तो अब ये जो बाकी जो खाली आईलिड्स बचा है इसमें मैं शिमर प्लेस करूँगी ब्रॉन्जी काइंड, इसमें से ये थोड़ा ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शिमरी पिंक कलर का शेड जो है वो लूँगी एंड देन अगेन आई एम गोना डिग माय ब्रश बोथ साइड ताकि मुझे अच्छा ओके आई हैव यूज्ड अ लॉट एंड देन जितना भी खाली आईलिड्स है मैं उसमें प्लेस करूँगी इसे। मैंने अपना बेस मेकअप कर लिया और यही रीज़न है कि मैं अपना बेस मेकअप नहीं करती हूँ, कि मुझे पता है कि मेरा फेस बहुत फॉल आउट होने वाला है, तो इसीलिए। तो मैं शिमर पार्टिकल्स के लिए मैं स्विस ब्यूटी का रोज़ गोल्ड रेट्रो शेड यूज़ करने वाली हूँ, शेड नंबर 5 एंड अगेन मैं इसमें वन डिप मिलेगा मुझे। ओके ब्रश ब्रश ओके ब्रश एंड एक ब्रश में मैं इसे लूँगी। सॉरी आई गॉट अ गॉल, सॉरी टू इंटरप्ट।
बट मैंने एक भी दोबारा डिप नहीं लिया, मैं इसी ब्रश में से वापस ले रही हूँ, क्योंकि फिर चैलेंज किया हुआ अगर मुझे चीटिंग ही करना होता तो। इसको मुझे और चैलेंजिंग बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आईलाइनर लगाना चाहती हूँ। करने वाले हैं मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर इन द शेड स्पार्कलिंग आईलाइनर इन द शेड 4। मैं ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वन डे में बहुत सारा आता है, यू कैन सी इट्स रियली अ लॉट। I forgot to do lower lash line. मैं lower lash line करना भूल गई। Okay. दूसरा कलर लगा लूंगी। I never expected कि one dip eyeliner इतना अच्छा हो दिख सकता है, like I really like the eyeliner. Next coming to lower lash line. Okay. मुझे दूसरा शेड देखना पड़ेगा जिसमें मैं सिर्फ वन डिप कर सकती हूँ। द थिंग इज दैट कि आप इसमें जितना शेड चाहे उतना शेड लगा सकते हो, बट आपको सिर्फ डिप एक ही बार करना है, तो मैं लेट्स डू अ पर्पल पिंक। आई हैव नो आइडिया मैं क्या करने जा रही हूँ। आई एम गोना टेक दिस शेड, दिस पर्पल राइट हियर, आई एम गोना डिग इन। मुझे सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है, लॉस्ट दैट पिगमेंट, ग्रेट। आई एम गोना जस्ट पुट इट ऑन माय लोअर लैश लाइन, सम हियर एंड सम। मैंने पहले ये वाला यूज किया था, अभी मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ एंड इसे मैं वापस डिप करूंगी अच्छे से। Don't tap off. You just one. And then थोड़ा सा यहाँ प्लेस करूँगी, then थोड़ा सा यहाँ। मैं लैश लगा के आपके साथ वापस आती हूँ एंड देन चलेंगे मस्करा एंड बाकी सारी चीज़ों पे वापस आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मस्करा के ऊपर, तो मस्करा के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मैं मेबेलिन का लैश सेंसेशनल एंड मैं इसलिए यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आता है अमाउंट। तो पहले लोअर लैश को कोट करूँगी। अब आते हैं मेरे फेस मेकअप के ऊपर, तो सबसे पहले आते हैं कॉन्टोर के ऊपर। मैं मेरा मार्स का कॉन्टोर पैलेट लेने वाली हूँ। मैं दो शेड में डिप करती हूँ, तो एक बार इसमें अच्छे से डिप करूँगी एंड देन द सेकेंड वन, लाइक यू कैन सी मैंने दो शेड में डिप किया है। वन तो फोरहेड में कम करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बैंग्स है उसको ढकने के लिए। नेक्स्ट आई कॉन्टोर ब्लेंडेड थोड़ा ताकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। देखती हूँ इसी में से जो भी बचा है ब्रश पे उसको नोज कॉन्टोर करूँगी। नेक्स्ट कमिंग टू ब्लश, तो मैं ब्लश के लिए मेरा मीना का चिक मेकर पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मुझे दोबारा क्या एक बार डिप में भी मुझे बहुत एक्सेसिव मिलता है, तो इसीलिए मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी सेंटर वाला एंड इसमें बस सिर्फ एक बार इस तरह से करूँगी एंड देन मैं थोड़ा सा इस चीक में, थोड़ा सा इस चीक में। नेक्स्ट कमिंग टू हाईलाइट, मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज करने वाली हूँ एंड आई विल जस्ट स्वर्ल बोथ साइड, लाइक दिस साइड एंड दिस साइड बोथ साइड, क्योंकि मैं टॉप टैप ऑफ करने वाली थी बट टैप ऑफ नहीं करना है एंड क्या मुझे सेकेंड डिप मिलेगा क्योंकि मैं दूसरा ब्रश से डिप करती हूँ, राइट।
मैं एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ एंड उससे मैं वापस इसी हाइलाइटर में दोबारा डिप करूँगी। आई थिंक ये दूसरा ब्रश है तो ये काउंट नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर प्लेस करूँगी यहाँ पे फर्स इस साइड सब ब्राउ बोन पे फर्स इस ब्राउ बोन पे। कम्स द मोस्ट हॉरिबल पार्ट लिपस्टिक। उसके लिए यूज़ करने वाले मैं लिप्स नेक्स्ट का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रोम। आई होप इसमें बहुत सारा है प्लीज 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 ओके आई गेस सो मेरा हो जाना चाहिए। सेटिंग स्प्रे में क्योंकि एक स्प्रे से कुछ होता नहीं है तो उसे मैं सेट नहीं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली एक स्प्रे पूरा फेस पे आएगा भी नहीं मेरे। सो या मैं अपने बाल ठीक करके वापस आती हूँ। हाय नहीं सो यस गाइस दिस इज द फाइनल लुक। ओवरऑल मुझे उम्मीद था नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगी बट या हो गया। सो इससे एक्चुअली बहुत चीज़ पर ज़्यादा चलती है कि लाइक आप मेकअप करते हो कितने सारी चीज़ें वेस्ट करते हो जो कि आपका बहुत जल्दी हो सकता है। एक चीज़ और था कि मेकअप को आपको क्या करना पड़ता है बिल्ड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, मतलब एक ही बार आप लेके कर नहीं सकते हो तो वो भी एक चैलेंज था कि मैं एक ही बार में किस तरह से सॉर्ट आउट करती हूँ। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यू नो एक डोज ऑफ लाफ्टर या कुछ भी इस तरह मिल सके। सो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय हिटिंग दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो नीचे दरी की दरी में नाम के आसपास होगा। सो या प्लीज़ हिट करके उसे ग्ले कर दीजिएगा एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ऑल्सो मैं इसी तरह कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पर भी डालते रहती हूँ छोटे छोटा वीडियोज़ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हैंड में यहीं कहीं यहीं कहीं डाल दूंगी सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन बाय।